लाल सिंह चड्ढा। आमिर खान साहब की 11 तारीख को रिलीज होने वाली है लाल सिंह चड्ढा, जिसके लिए एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। और ऐसे में उन्होंने रिसेंटली एक ऐसी टीज दे दी है हमें, जिसे देखकर हम अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। स्वागत है चैनल टेली खजाना में, मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लाल सिंह चड्ढा, जो कि आमिर खान साहब की फिल्म है, इस फिल्म से एक ऐसी क्लिप रिलीज हुई है जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी, आप लिटरली ठहाके मार मार के हंसेंगे। दरअसल ये जो क्लिप है दोस्तों, ये है कि कैसे लाल जो है वो लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता है। हेलो, माय सेल्फ लाल, लाल सिंह चड्ढा, एक बार वो बचपन में बोलता है, फिर उसके बाद एक बार वो ट्रेन में बोल रहा है लाल सिंह चड्ढा, इस तरीके से बोल रहा है। और एक बार जब जवानों की भर्ती होती है, उस वक्त वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, जहां पर जो सीनियर ऑफिसर है उससे डांट भी खाता है। जी हाँ दोस्तों, इतना फनी रिएक्शन आया है जिसे देखकर आपकी हंसी कंट्रोल नहीं होगी, आप लिटरली बोलेंगे कि यार ये क्या, मतलब ये क्या है। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि लाल सिंह चड्ढा जो है एक ऐसी फिल्म है जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ये फिल्म को बनने में 4 साल पूरे लग गए, कोविड था, हालांकि कोविड की वजह से लेट हो गया, अदरवाइज़ ये फिल्म जो है 2020 में ही रिलीज़ हो जाती, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड 2021 तक भी हो सकती थी ये, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोविड एंड एवरीथिंग। और अब ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, लेकिन इस फिल्म को रिलीज़ होने में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी भी मिल रही है, सो मेरा ये आग्रह है, एक रिक्वेस्ट है कि ऐसी नेगेटिविटी को आप लोग अवॉइड कीजिए और इस फिल्म को 11 तारीख को ज़रूर इंजॉय कीजिए। इस फिल्म के साथ रिलीज़ हो रही है बाय द वे रक्षाबंधन, तो मैं तो यही कहूँगा कि देखते हैं कि दोनों फिल्मों में से जो भी अच्छा कमाए, मैं तो चाहता हूँ दोनों फिल्में अच्छा करें, ताकि बॉलीवुड जो लोग कह रहे हैं ना कि बॉलीवुड ख़त्म, बॉलीवुड फिनिश्ड एंड एवरीथिंग, तो उनको एक करारा जवाब मिले। तो ये कमेंट सेक्शन में जाएं और फटाफट मुझे बताएं, बने रहें चैनल के साथ।